तो पहले पार्ट में आपने देखा भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं भी भूखा हूँ। पर हाँ, वहाँ पे एक ढाबा है, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ चले जाओ। सॉरी भाई। मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत ऐसे बदल जाएगी। चल तो दिया था मैं इस रास्ते पर, लेकिन मंजिल का कुछ पता नहीं था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसे या तो मेरी किस्मत समझ लो, या फिर ऊपर वाला मेरा साथ दे रहा था। नहीं पता था ये रास्ता ही मेरी मंजिल बन जाएगा। शायद ये रास्ता ही मेरे लिए था। घर पहुंचने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। जब हम किसी झूला पर झूलते हैं तो हमारी जिंदगी रंग बिरंगी हो जाती है। ऐसी हो गई थी मेरी जिंदगी। बहुत खुश था मैं, लेकिन एक सवाल मन में फिर भी था कि जिस इंसान के पास इतनी दौलत हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके पास दौलत है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास इतनी दौलत है तो क्या आप मेरी माँ वापस ला सकते हो, मुझे मेरा परिवार वापस दे सकते हो, तो उन्होंने मुझे एक प्यारा सा जवाब दिया कि पैसों से सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान खरीदा जा सकता है, परिवार नहीं। परिवार तो सिर्फ किस्मत से बनते हैं, और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अपने परिवार के बीच में रहते हैं। और उस दिन से मैंने जाना कि पैसों से सिर्फ और सिर्फ अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा दिख सकते हैं, बट परिवार तो सिर्फ और सिर्फ किस्मत से बनते हैं। किस्मत अच्छी थी, मुझे इतने अच्छे परिवार से जोड़ दिया। मुझे नई नई उम्मीदें मिली, नया सपना मिला। वाह रे किस्मत।